तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे चैनल शेयर में शौक को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों हम अपने सेटअप पे आए हैं, हमारा प्रिंस। आज मेरे आने से पहले रेहान ने सारे कबूतर वगैरह तो खोल दिए थे, लेकिन आज हम सबसे पहले अपने कबूतरों को उड़ाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कबूतरों को हमने नहीं उड़ाया। तो पहले कबूतर उड़ाते हैं। आज कबूतर मैं उड़ाऊंगा जो तुमने उड़ाने, लेकिन सारे फिर इकट्ठे उड़ाने। दोस्तों आज रेहान कबूतर उड़ाते हैं और मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। तो रेहान ने उड़ा दिए, कुछ मैंने उड़ाया कुछ रेहान ने उड़ाए, क्योंकि दो चार दिन हो गए हमने उनको उड़ाया नहीं था। तो ये थोड़ा सा ना आज वो क्या कहते हैं बाजियाँ कर रहे थे कि नहीं उड़ने, हाँ शौके हो गए थे। ये कह रहे थे बस हमें सिर दाना खिलाई हो, उड़ना छुड़ना हमने कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, आधे उड़े आधे नहीं उड़े। और ये हमारा पड़ोसी है, इसने भी कबूतर रखे हुए हैं तो हमने उड़ाया तो उसको भी जोश आ गया। दिखाऊं मैं आपको दोस्तों, सामने उसको बिल्कुल जाल सा लगा हुआ है। अब भी असल साइड पर है ना सूरज, तो आपको नज़र नहीं आएगा। चलो मैं आपको इस समय दिन टाइम दिखाऊंगा आपको। ये रहा हमारा मिट्टू और इनकी केज की सफाई होने वाली है। कल इनकी केज की सफाई करनी थी, लेकिन वो कल हमारे बजीज के मसले में ना बस उधर ही में रह गया, तो टाइम नहीं मिला। बजीज कल मर गए थे। हाँ जब तुम ट्यूशन गए थे ना। ये दोस्तों हमारे ये भी दो रह गए, देख से आपको दिखाऊं। तो दो तो बेचारे कल मर गए। ये इनकी मैंने सेटिंग की थी, ये इनकी मैंने वो डोलियाँ वगैरह जो आप या कुजियाँ कह लें या आप जो भी खैर कह लें, ये मैंने कल लगा दी थी। और ये इनकी मैंने स्टिक लगाई थी बैठने के लिए। ये वाइट वाली है, वो फीमेल है और ये मेल है। अब दुआ करें अल्लाह करे ये बच जाए, इनको कुछ ना हो। अब देखेंगे अगर ये दोनों ठीक रहे और यहाँ सेट हो गए तो फिर इंशाल्लाह एक प्यार हम और लेके आएंगे। अरे हमारे प्यारे से बटेर, ये तो फिर आपने देखी होंगे। ये जी ये तो माशाल्लाह हर टाइम मस्ती में फ्रेश घूमने फिरते हैं, खाते पीते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ नहीं है। और ये देखिए जी हमारा मुर्गा और उसके पार्टनर का काम। ये मुर्गा खतरनाक है, ये पर्दे पे चढ़ गया है, ये काम बड़ा ख़राब है। मैं इसको पहले नीचे उतारता हूँ, ये माशाल्लाह इसका शौक कर ले और फिर उसको मैं नीचे उतारता हूँ। चलो भाई ये चलो नीचे। केज की हो चुकी है सफाई, अब माशाल्लाह जी कितना प्यारा लग रहा है। और हमारा प्रिंस दाना भी खा रहा है। जगह पे जाना है दिन टाइम, वहाँ से तकरीबन कोई 15 कबूतर है हमारे पास, वो मैंने उठा के ले आने। और ये रेहान की शक्ल चेक कर अकेले ही जाऊँगा क्योंकि रेहान है तो नहीं सकून, तो वहाँ से मैं कबूतर खा लाऊंगा, आपको भी शौक करवाऊंगा और वहाँ दिखाऊंगा आपको। शाम हो चुकी है और मैं भी आज अभी सेटअप पे आया हूँ। आज सारा दिन मैं भी सेटअप पे नहीं आया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुबह ही एक दफ़ा आया हूँ, पानी वगैरह इनका चेंज किया और फिर मैं चला गया था। तो अभी माशाल्लाह कुछ मौसम ठीक हो गया, हवा कुछ ठंडी हो गई है और हमारे सारे कबूतर वगैरह बाहर आ गए। हमारे सारे कबूतर बैठे और ये हमारे सारे अंदर ब्रीडिंग वाले भी आई, सारे बाहर फिर हैं। और ये रहा हमारा प्यारा सा मुर्गा और ये रही जनाब इसकी पार्टनर। आज बंद है, इनको खोलते हैं, इनको आज मैंने सारा दिन खोलेंगे, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो बंद ही रहे। आ जाओ भाई आ जाओ शाबाश आ जाओ। और ये रही जी हमारे प्यारे से बजी, माशाल्लाह आज इनका दिन अच्छा गुजर गया। और ये देखा ना ये थोड़ा रिलैक्स भी हो गए हैं, उड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये जनाब बोल भी रहे थे, तो माशाल्लाह इनका दिन अच्छा गुजर गया। मैं तो जब सेटअप पे आया हूँ तो मैंने इनको बड़ा डर डर के इनके केज को देखा कि ऐसा ना होना दो कल मर गए तो आज फिर को नुकसान हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैंने आज सुबह आपको बताया था कि एक जगह पर जाने और कुछ कबूतर ले कर आने, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सका। इंशाल्लाह कल ले आएंगे और कल ही आपको दोस्तों को सब कबूतरों का शौक करवाएंगे। माशाल्लाह कबूतर वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों मैं ना कबूतर तो चलो आज नहीं मिले, लेकिन फिर भी आज मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ।
मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो मैं आपको अपनी नई चीज़ दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है। चलो दोस्तों, इसमें मेरी नई चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा इसमें से देख के, बाकी मैं आपको ना निकाल के दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह, ये हमारा पहला बटेर बाहर आ गया। ये मैं आपको बाहर इसलिए दिखा रहा हूँ, केज में ज़रा सही ना शौक नहीं होते, तो अब मुझे ऐसा ना हो ना ये उड़ भी जाए, लेकिन मैं आपके लिए इसको बाहर छोड़ के दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको साथ दूसरा भी दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह, ये देखिए, ये मादा है ये वाली, और वो नर है। ये माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आए थे, तो मैंने कहा यार लेके जाते हैं, कलर भी अच्छे हैं। ये जी देखिए, मैंने को अभी आज़ाद छोड़ दिए ताकि ये थोड़ा सा ना घूम फिर लें, ये थोड़ा सा घूम फिर लें, और माशाल्लाह इसकी आवाज़ सुनिए। ये ना ये हमारा दूसरे बटेर, अब इन दोनों को छोड़ते अंदर और फिर देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। ये जी इनको मैंने छोड़ दिया इनके केज में, तो इनको थोड़ी देर देखते हैं लड़ाई करते हैं या सुकून में रहते हैं। यार मैं लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्रीड तो एक ही है ना, सिर्फ कलर का ही फ़र्क है, बाकी वो भी बटेर हैं, ये भी बटेर हैं। ब्रीडिंग वाले कबूतरों का दाना पानी हो चुका है और ये अब सब अपने खाने मसरूफ़ है, और इधर इनको मैंने दाना पानी कर दिया है, ये भी सब अपने केज में आ जाएंगे। बयान इनको बंद करो मुर्गों को, ये रियान इनको मुर्गों को बंद करते हैं, तो अभी सब कबूतर भी नीचे आ जाएंगे। ये देख अब भाई साहब, अब सब ने एक ऐसे एक मिनट लगाना है, ये मुर्गे बंद कर रहे हो गए, खैर उनका ना पानी और दाना भी चेंज कर दो, कर दिए वो भी। ये देखिए जी, मैंने अभी उनको खोला था और रेहान ने इन बेचारों को फिर बंद कर दिया। चलो ठीक है, वैसे भी शाम हो चुकी है दोस्तों। हमारे ये सब कबूतर इन्होंने दाना खा लिया है और सारे अपने केज में चले गए हैं, इसका दाना पानी हो चुका है, और ये हमारे डव्स इनका दाना पानी चेंज कर दिया था मैंने, और ये हमारे जने बटेर, ये देखिए एक ये खाना खा रहा है नया वाला वाइट वाला, और एक ये मिट्टी में खेलने मसरूफ़ हो गए। जी इनके मैंने दाना और पानी चेंज कर दिए, ये हमारे रैबिट्स, और रेहान ने इनको कोई चीज़ नहीं डाली, मैंने डाली इस बखरगोशों को, मैंने इतना कुछ डाला है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इसकी वीडियो करते हैं यहाँ एंड, उम्मीद है आपको हमारे बटेर पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल शहर में चौक को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।